सूरज ठीक है साहब। ओके पेट्रोल पार्टी सावधान बैठ। जय श्रीमान। राम साहब श्रीमान ब्रीफिंग शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। ओके साहब धन्यवाद। श्रीमान जय श्रीमान। पेट्रोलिंग पार्टी आराम से अपनी ब्रीफिंग शुरू करो। उससे पहले चंद एक हिदायतें। यदि मेरी ब्रीफिंग के दौरान कोई भी किस्म का खतरा हो जाता है तो उस दौरान मैं लगातार छोटी छोटी विसल बजाऊंगा। आप सब अपनी जगह से खड़े होकर आप लोगों के बाएं तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर झाड़ीदार इलाके में जाकर लाइंग पोजीशन ले लेंगे। जैसे ही खतरा टल जाता है मैं दो लंबी सीटी बजाऊंगा। आप लोग इसी जगह पर आकर के बैठ जाएंगे और मेरे द्वारा ब्रीफिंग की कार्रवाई पूरी की जाएगी। इस दौरान इनलार्जमेंट को निकालना और ले जाना, वापस लाना और इसी तरह से लगाने की जिम्मेदारी नायक सुरजीत आपकी होगी। ओके। जरूरी है कि आप सबको सबसे पहले उस इलाके से वाकिफ करा दिया जाए जिस इलाके में जाकर हमें अपने टास्क को पूरा करना है। इनलार्जमेंट के ऊपर यह वही इलाका है जहां पर हमें रेकी पेट्रोल की कार्रवाई को अंजाम देना है। इनलार्जमेंट की ईस्टिंग लाइन 64 से लेकर 74 तक और नॉर्थिंग लाइन 82 से लेकर 90 तक दर्शाई गई है। ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन द्वारा बने प्रत्येक स्क्वायर की एक भुजा जमीन पर 1 किलोमीटर को जाहिर करती है। इनलार्जमेंट का नॉर्थ एरो से दर्शाया गया है जबकि जमीन का नॉर्थ यानी कि वास्तविक नॉर्थ भी इसी दिशा में तकरीबन आप लोगों के सामने की तरफ है। इनलार्जमेंट के ऊपर नीले और लाल रंग से दर्शाई गई रेखा दो देशों की आपसी सीमा को जाहिर करती है। इनलार्जमेंट को देखने से पता चलता है कि यह इलाका पहाड़ी और मैदानी दोनों का मिला जुला स्वरूप है। इस इलाके में कुछ पहाड़ियाँ, कहीं पर मैदानी भाग, कहीं कहीं पर खेती का इलाका, कहीं छोटे और घने जंगल। इसके अलावा इस इलाके में कुछ सूखे और बरसाती नाले और साथ साथ कुछ कच्चे और पक्के ट्रैक मौजूद हैं। इस इलाके में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना है और इन लोगों का समर्थन अपने अपने देश के साथ है। हाइट एंड फीचर। इनलार्जमेंट को देखने से पता चलता है कि इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा हाइट्स हैं, लेकिन जिन हाइट्स का संबंध हमारे रेकी पेट्रोल से है वे इस प्रकार से हैं 0.861, 0.783, 0.722, 0.804, 0.894, 0.820, 0.799 और 0.779। चूंकि 0.861, 0.783, 0.722 और 0.804 की हाइट दुश्मन के इलाके में है, इसलिए दुश्मन इन हाइट्स का इस्तेमाल कर दूर तक के इलाके को अपनी निगरानी में रखेगा। अतः हमें अपनी हरकत के दौरान इन डोमिनेटिंग हाइट का विशेष ध्यान रखना होगा। शहर और गांव।
वैसे तो इस इनलार्जमेंट में कोई भी मुख्य शहर नहीं है, लेकिन इनलार्जमेंट के नॉर्थ वेस्ट में तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर कोल्हापुर, इनलार्जमेंट के साउथ ईस्ट में तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर एक और शहर नाम शहर बेलगाम। इसके अलावा इस इलाके में मुख्य गांव विलेज कडोली, विलेज करणपुर, विलेज कलखम और विलेज ब्रह्मन हट्टी है। चूंकि विलेज कडोली और विलेज करणपुर दुश्मन के इलाके में है और यहाँ के लोगों का समर्थन दुश्मन के साथ है, अतः अपनी हरकत के दौरान हमें इन गाँव को बाईपास करना होगा। रोड एंड ट्रैक्स। इनलार्जमेंट में मुख्य रोड विलेज करणपुर टू शहर कोल्हापुर, विलेज बर्मनहट्टी टू शहर बेलगाम क्लास 40 ऑल वेदर ब्लैक टॉप टू वे रोड है। इसके अलावा इस इलाके में गाँव को आपस में जोड़ने वाले कच्चे और पक्के ट्रैक्स मौजूद हैं। अपनी हरकत के दौरान हमें इन ट्रैक्स का विशेष ध्यान रखना होगा। नदी और नाले। इस इनलार्जमेंट में एक मुख्य नदी ताम्रपर्णी नदी है। इस नदी का हमारे पेट्रोल से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा इस इलाके में कुछ सूखे और बरसाती नाले हैं जो इन्फेंट्री के लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इन नालों का इस्तेमाल हम नेविगेशन और छुपाव हासिल करने के लिए कर सकते हैं। मेड डाटा फर्स्ट लाइट 600 बजे और लास्ट लाइट 1800 बजे चंद्रमा एक्चुअल। अभी वो जरूरी जमीनी निशान जिन्हें हम अपने पेट्रोलिंग के दौरान इस्तेमाल करेंगे। .861 फुट ब्रिज, अकेला गोल दरख्त, इलाका बोल्डर, .783 इलाका सर्वे ट्री, इलाका जोड़ा खजी, .722, .804 इलाका अकेला खजी, इलाका मस्जिद, विलेज कलखम, .894, .820 विलेज बर्मनहट्टी, .799, .779 विलेज कडोली, विलेज करणपुर, रिजर्व फॉरेस्ट, इलाका मंदिर। जमीनी निशान एक बार फिर .861 फुट ब्रिज, अकेला गोल दरख, इलाका बोल्डर, इलाका सर्वे ट्री, जोड़ा खज्जी, .783, .722, .804 अकेला खज्जी, मस्जिद, विलेज कलखम, .894, .820 विलेज बर्मनहट्टी, .799, .779 विलेज कडोली, विलेज करणपुर,
रिजर्व फॉरेस्ट और मंदिर। जमीनी निशानों में किसी को कोई शक? वेरी गुड। शक नहीं तो टैक्टिकल हालात। लाल और नील दो पड़ोसी देश हैं, जिनके बीच एलसी नॉर्थ ईस्ट से निकलकर विलेज कलखम से होती हुई कडोली और साउथ वेस्ट की तरफ चली जाती है। आपसी सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के संबंध पिछले लंबे समय से काफ़ी तनावपूर्ण चल रहे हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन युद्ध की हालात पैदा हो रही है। इस हालात से निपटने के लिए दोनों देशों ने एलसी के इलाके में अपनी फौज की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। दोनों देशों की सेना ने एक दूसरे को करारा जवाब देने के लिए इस इलाके में रैकेट पेट्रोल और प्रोटेक्टिव पेट्रोल की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। हम नील देश से संबंध रखते हैं, हमारी बनावट इंडियन आर्मी पर और लाल देश की सेना की बनावट नरक आर्मर्ड फोर्सेस पर आधारित है। खबर दुश्मन के बारे में। खबरों से पता चला है कि एलसी के उस पार दुश्मन की संभावित डिप्लॉयमेंट कुछ इस प्रकार से है। दुश्मन की एक कंपनी 0.861, एक कंपनी 0.783, एक कंपनी 0.722 और एक कंपनी 0.804 पर होने की संभावना है। दुश्मन की 783 की कंपनी की एक प्लेटून नॉर्थ ईस्ट स्पर पर और एक प्लेटून साउथ ईस्ट स्पर पर होने की संभावना है। इनके पास अत्याधुनिक सर्वेलेंस आले होने की संभावना है, जिनके कारण वह दूर तक के इलाके को अपनी निगरानी में रख सकता है। खबर अपने बारे में। हमारी टू कुमाऊं 21 माउंटेन ब्रिगेड का हिस्सा है। 21 माउंटेन ब्रिगेड की एक बटालियन 6 डोगरा दुश्मन की किसी भी गतिविधि का जवाब देने के लिए एलसी के इलाके में तैनात है। उसकी डिप्लॉयमेंट इस प्रकार से है। अल्फा कंपनी 0.894, ब्रेवो कंपनी 0.820, चार्ली कंपनी प्लस बटालियन हेडक्वार्टर 0.799 और डेल्टा कंपनी 0.779 पर डिप्लॉयड है। चूंकि हमारे रेकी पेट्रोल को 6 डोगरा की लोकेशन से होकर जाना है, इसलिए हमारी रेकी पेट्रोल की खबर 6 डोगरा को दी जा चुकी है और उनकी तरफ से हमें हर संभव मदद दी जाएगी। 6 डोगरा ब्रावो कंपनी से एक रेकी पेट्रोल, जिसके कमांडर सुधार हयात सिंह साहब है, इलाका नॉर्थ ईस्ट इस पर में जा रहा है, उन्हें भी हमारे रेकी पेट्रोल की खबर दी जा चुकी है। दोनों पेट्रोल का आपसी बाउंड्री सूखा नाला है। टास्क, हमारा रेकी पेट्रोल दुश्मन के इलाके में जाकर इन इन सवालों का जवाब लेकर आएगा। क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट स्पर पर दुश्मन मौजूद है? यदि हाँ तो उसकी नफरी फैलाव ऑटो वेपन और सर्वेलेंस डिवाइसेस की लोकेशन कहाँ पर है? क्या बोल्डर और जोड़ा खज्जी के इलाके में दुश्मन ने कोई ऑब्स्टिकल लगा रखा है? यदि हाँ तो उसकी किस्म फैलाव और अगला किनारा कहाँ पर है? क्या इलाका बोल्डर बटालियन FUP के लिए उचित है? यदि नहीं तो संभावित FUP और अल्टरनेटिव FUP की जगह कहाँ पर हो सकती है? इसके अलावा
दुश्मन के इरादों को भी जानने की कोशिश की जाएगी। टास्क में किसी भी जवान को कोई शक, वेरी गुड, टास्क में कोई शक नहीं तो टास्क को दोहरा देंगे नायक सुरजीत सिंह। क्या साउथ ईस्ट सफर पर दुश्मन मौजूद है? अगर हाँ तो उसकी नफरी, फैलाव, ऑटो वेपन्स और सर्वेलेंस डिवाइस की लोकेशन कहाँ पर है? क्या इलाका बोल्डर और जोड़ा खच्ची के इलाके में दुश्मन ने ऑब्स्टिकल लगा रखा है? यदि हाँ तो उसकी किस्म, फैलाव और अगला किनारा कहाँ पर है? क्या इलाका बोल्डर बटालियन एफपी के लिए उचित है? यदि नहीं तो संभावित एफपी और अल्टरनेटिव एफपी की जगह कहाँ पर हो सकती है? इसके अलावा यदि मुमकिन हो तो दुश्मन की गतिविधियाँ एवं उसके इरादों को जानने की कोशिश भी की जाएगी। ओके, वेरी गुड। तो इस टास्क को 3 हिस्सों में पूरा किया जाएगा। हिस्सा नंबर 1, फॉरवर्ड डिफेंडर लोकेलिटी से पेट्रोल बेस तक हरकत। हिस्सा नंबर 2, खबरें हासिल करना। और हिस्सा नंबर 3, वापसी। यहाँ तक कि ब्रीफिंग में अभी भी किसी को कोई शक? वेरी गुड। तो अभी सबसे पहले लेते हैं हिस्सा नंबर 1, फॉरवर्ड डिफेंडर लोकेलिटी से पेट्रोल बेस तक हरकत। सिक्योरिटी और सरप्राइज को बरकरार रखने के लिए कमांड एंड कंट्रोल का होना जरूरी है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे रेकी पेट्रोल की 2 पार्टियां होंगी, जिसकी बनावट इस प्रकार से होगी। पार्टी नंबर 1, हवलदार सूरज, आप नंबर 1 पार्टी के पार्टी कमांडर होंगे। आपके साथ नायक विमल और सिपाही पवार होगा। ठीक है साहब। पार्टी नंबर 2, पार्टी नंबर 2 का कमांडर मैं खुद और मेरे साथ नायक सुरजीत और सिपाही खड़क सिंह होगा। ठीक है साहब। स्टार्ट पॉइंट, पेट्रोलिंग में जाने के लिए हमारा स्टार्ट पॉइंट 6 डोगरा की ब्रावो कंपनी की लोकेशन यानी कि पॉइंट A20 होगा। स्टार्ट पॉइंट से चलने का समय 18:30 बजे होगा। जाने का रास्ता पॉइंट A20 मस्जिद, अकेला खच्ची और सर्वे ट्री होगा। पॉइंट A20 से फॉरवर्ड डिफेंडर लोकेलिटी तक पहुंचाने के लिए हमें ब्रावो कंपनी से एक गाइड मिलेगा। नेविगेशन, हवलदार सूरज आपकी पार्टी नेविगेशन का काम करेगी, इसलिए मेरी ब्रीफिंग समाप्त होने के बाद आप एक नाइट मार्च चार्ट बनाएंगे। नाइट मार्च चार्ट बनाने से पहले आप मुझसे ब्रीफिंग ले लेंगे। ठीक है साहब। चलने की रफ्तार, हमारी चलने की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बाउंड, रेकी पेट्रोल के दौरान बाउंड की अहमियत नेविगेशन के तौर पर होती है। आज के हालात में हमारे बाउंड मस्जिद, अकेला खज्जी और सर्वे ट्री होगा। आरवी, जाते समय हमारा हर पिछला बाउंड आरवी होगा। जैसे कि यदि हम अपनी हरकत के दौरान बाउंड नंबर 2 यानी कि अकेला खज्जी में पहुंच जाते हैं और यहां पर दुश्मन का कोई खतरा आ जाता है, तो ऐसी हालत में हमारा पिछला बाउंड यानी कि मस्जिद हमारा आरबी होगा। ऑर्डर ऑफ मार्च, ऑर्डर ऑफ मार्च में हवलदार सूरज सबसे आगे आपकी पार्टी, उसके पीछे मैं खुद और मेरे पीछे मेरी पार्टी होगी। नायक सुरजीत आप सबसे आखिर में होंगे।
पेट्रोल बेस। अपने टास्क की कामयाबी के लिए एक सुरक्षित, असरदार और कामयाब बेस का होना बहुत ही जरूरी है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज के हालात में हमारा पेट्रोल बेस इलाका सर्वेटरी होगा और अल्टरनेटिव पेट्रोल बेस इलाका अकेला गोल दरख्त होगा। पेट्रोल बेस में दाखिल होने का तरीका, जैसे ही हमारी पेट्रोल पार्टी इलाका सर्वे ट्री से तकरीबन 100 से 200 मीटर की दूरी पर पहुंच जाती है तो मेरे इशारे पर पूरा रेकी पेट्रोल चारों तरफ का बचाव हासिल करते हुए नीलिंग पोजीशन ले लेगा। उसके बाद मैं और हौलदार सूरज बांध पीएनबीडी की मदद से आगे के इलाके की देखभाल करेंगे और इस बात का यकीन करेंगे कि सामने का इलाका वही इलाका है जिसे हमने पेट्रोल बेस के लिए चुना है। यह यकीन हो जाने के बाद हौलदार सूरजबान आपकी पार्टी देखभाल के तरीके से पेट्रोल बेस की तरफ हरकत करेगी। ठीक है साहब। और पेट्रोल बेस में इस बात का यकीन करेगी कि वहां पर दुश्मन की कोई मुदाखलात नहीं है। यह यकीन हो जाने के बाद आप वापस मेरे पास आएंगे और मुझे ओके की रिपोर्ट देंगे। उसके बाद पूरा पेट्रोल पेट्रोल बेस में दाखिल होगा। पेट्रोल बेस को चारों तरफ से सिक्योर किया जाएगा। यह इलाका तकरीबन 75 से 100 मीटर का होगा। पेट्रोल बेस सिक्योर हो जाने के बाद यदि मेरे ऑर्डर्स में कोई तब्दीली या प्लानिंग में कोई तब्दीली होती है तो आप लोगों को यहां पर फाइनल ऑर्डर्स दिए जाएंगे। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल बेस को छोड़ने से पहले नायक सुरजीत और सिपाही खड़क सिंह, आप दोनों भारी सामान के साथ जैसे LMG, रेडियो सेट स्टार भी, स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट बॉक्स के साथ पेट्रोल बेस में ही रुक जाएंगे। ठीक है साहब। पेट्रोल बेस को छोड़ने से पहले हम पेट्रोल बेस के सामने जो छोटी सी झाड़ी है इसके ऊपर एक सफेद रुमाल बांधकर लटका देंगे ताकि हमारा पेट्रोल बेस छोड़ने से लेकर वापस पेट्रोल बेस में दाखिल होने तक यदि पेट्रोल बेस में दुश्मन की कोई मुदाखलात हो जाती है तो उस दौरान नायक सुरजीत और सिपाही खड़क आप दोनों इस सफेद रुमाल को निकाल कर अल्टरनेटिव पेट्रोल बेस में पहुंच जाएंगे और जब हमारी पेट्रोल अपना टास्क पूरा करने के बाद वापस पेट्रोल बेस में आएगी तो पेट्रोल बेस में दाखिल होने से पहले हम सफेद रुमाल को देखेंगे। यदि हमें सफ़ेद रुमाल दिखाई देता है तो हम आप लोगों से मिलाप स्थापित कर पेट्रोल बेस में दाखिल हो जाएंगे और यदि हमें सफ़ेद रुमाल नहीं दिखाई देता है तो हम चुपचाप सरप्राइज कायम रखते हुए अल्टरनेटिव पेट्रोल बेस में पहुंच जाएंगे। यहां तक कि ब्रीफिंग में किसी को कोई शक? वेरी गुड। यहाँ पर हिस्सा नंबर एक समाप्त होता है। अभी लेते हैं हिस्सा नंबर दो, खबरें हासिल करना। हमारा रेकी पेट्रोल पेट्रोल बेस से लेकर के इलाका बोल्डर तक एक साथ हरकत करेगा। उसके बाद हमारा रेकी पेट्रोल दो सब्सिडरी पेट्रोल में बढ़ जाएगा जिनकी बनावट और टास्क इस प्रकार से होगी। सब्सिडरी पेट्रोल नंबर वन, हवलदार सूरज बान और सिपाही खड़क सिंह, आप सब्सिडरी पेट्रोल नंबर वन होंगे। ठीक है साहब। टास्क, क्या साउथ ईस्ट स्पर पर दुश्मन मौजूद है? अगर है तो उसकी नफरी, फैलाओ, ऑटो वेपन
और सर्विलेंस डिवाइसेस की लोकेशन कहां पर है, टास्क को पूरा करने का तरीका। आप लोग चुपचाप देखभाल और सुन करके इस टास्क को पूरा करेंगे। आप देखकर और सुनकर इन इन चीजों पर गौर करेंगे। इस इलाके में दुश्मन के लगे हुए संतरी, उनकी लोकेशन, हरकत करने का ढंग और आपस में संतरी के बदली होने का तरीका। इलाके में बने हुए दुश्मन के बंकर और लूपहोल, लगे हुए कैमोफ्लेज नेट्स, कोई ताजा खुदी हुई मिट्टी जैसे क्रॉल ट्रेंच, ओपन ट्रेंच या फिर कम्युनिकेशन ट्रेंच, कोई धुआं या रोशनी, खुदाई की आवाज, सीजाई सीट की आवाज या फिर किसी प्रकार की अन्य आवाज। इस टास्क को पूरा करने के लिए आप लोगों के पास अपना पर्सनल वेपन के अलावा PNVD, रेडियो सेट और कंपास होगा। वापस पेट्रोल बेस में पहुंचने का समय 0200 बजे होगा। सब्सिडी नंबर 1 पेट्रोल। आप लोगों को कोई शक नहीं साहब? ओके। सब्सिडी पेट्रोल नंबर 2 बनावट। सब्सिडी पेट्रोल नंबर 2 का कमांडर मैं खुद और मेरे साथ सिपाही पवार होगा। साहब, टास्क क्या? इलाका बोल्डर और जोड़ा खज्जी में दुश्मन ने कोई ऑब्स्टिकल लगा रखा है? यदि हाँ तो उसकी किस्म, फैलाव, संभावित गहराई और अगला किनारा कहाँ पर हो सकता है? क्या इलाका बॉर्डर बटालियन FUP के लिए उचित है? यदि नहीं तो संभावित FUP और अल्टरनेटिव FUP की जगह कहाँ पर हो सकती है? टास्क को पूरा करने का तरीका। हमारा सब्सिडी पेट्रोल, यदि हमें इस इलाके में कोई बारबर्ड वायर लगा हुआ मिलता है तो हम बारबर्ड वायर के साथ हरकत करेंगे। इस दौरान ट्रिप फ्लेयर और बूबी ट्रूप्स का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारा सब्सिडी पेट्रोल इन इन बातों के लिए देखेगा। बारबर्ड वायर के बाहर जाता हुआ कोई ट्रैक और ट्रैक के ऊपर पांव के निशान, बारबर्ड वायर के बीच में कोई गैप या फिर कोई टूट फूट, इलाके में कोई बनावटी निशान जैसे 2 या 3 पिकेट एक साथ गड़े होना, इलाके में बिछा हुआ कोई वायर टेप या WT केबल। इस टास्क को पूरा करने के लिए हमारे पास हमारे पर्सनल वेपन के अलावा वायर कटर, PNVD, रेडियो सेट और कंपास होगा। वापस पेट्रोल बेस में पहुंचने का समय ठीक सब्सिडी नंबर 1 पेट्रोल की तरह 0200 बजे होगा। पेट्रोल बेस में पहुंचने के बाद दोनों सब्सिडी पेट्रोल आपस में खबरों का आदान प्रदान करेंगे और पूरी खबरें इकट्ठा की जाएंगी। यहाँ पर हिस्सा नंबर 2 समाप्त होता है। हिस्सा नंबर 2 में किसी का कोई शक? साहब, हम पेट्रोल बेस से बोल्डर तक एक साथ क्यों जाएंगे? क्या हम पेट्रोल बेस से बोल्डर तक अलग अलग नहीं जा सकते? ओके, नायक सुरजीत ने बहुत अच्छा पॉइंट किया है। नायक सुरजीत का पॉइंट है कि साहब, हम पेट्रोल बेस से इलाका बोल्डर तक एक साथ हरकत क्यों करेंगे? क्या हम पेट्रोल बेस से अपना अपना टास्क पूरा करने के लिए अलग अलग दिशा में नहीं जा सकते? नायक सुरजीत, सरप्राइज को देखते हुए
यदि हम पेट्रोल बेस से अलग अलग हो जाते हैं तो दोनों का टास्क पूरा करने का इलाका एक होने के कारण हमारा आपस में मुठभेड़ होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस मुठभेड़ से बचने के लिए अच्छा होगा कि हम पेट्रोल बेस से इलाका बोल्डर तक एक साथ हरकत करें और बोल्डर से अपना अपना टास्क पूरा करने के लिए अपने अपने दिशा की तरफ हरकत कर दें। इससे हमारा आपस में मुठभेड़ होने का खतरा कम हो जाता है। तो नायक सुरजीत, आप अभी समझ गए? हाँ। वेरी गुड। यहाँ पर हिस्सा नंबर 2 समाप्त होता है। अभी लेते हैं हिस्सा नंबर 3, वापसी। पेट्रोलिंग के दौरान सरप्राइज और सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए रूट आउट और रूट इन का अलग अलग होना बहुत जरूरी है। आज की हालात में हमारा वापस आने का रास्ता 3R, फुटब्रिज, मंदिर, रिजर्व फॉरेस्ट और पॉइंट 779 होगा। बाउंड 3R, फुटब्रिज, मंदिर और रिजर्व फॉरेस्ट। RV, वापसी के दौरान हमारा हर अगला बाउंड RV होगा। जैसे यदि हम बाउंड नंबर 2 यानी फुटब्रिज में पहुंचते हैं और यहां पर दुश्मन का कोई खतरा आ जाता है, ऐसी हालत में हमारा अगला बाउंड यानी कि मंदिर RV होगा। नेविगेशन, ऑर्डर ऑफ मार्च, रफ्तार और फॉर्मेशन में कोई तब्दीली नहीं होगी, यानी कि जो तरीका जाते समय अपनाया जाएगा वही तरीका वापसी के दौरान भी होगा। फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी में पहुंचने का समय 0530 बजे होगा। फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी में दाखिल होने का तरीका, जैसे ही हमारा रेकी पेट्रोल फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी से तकरीबन 200 से 300 मीटर की दूरी पर पहुंच जाता है तो मेरे इशारे पर पूरा रेकी पेट्रोल चारों तरफ का बचाव हासिल करते हुए नीलिंग पोजिशन ले लेगा। उसके बाद मैं फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी में लगे हुए संतरी से रेडियो सेट पर मिलाप स्थापित करूंगा। मिलाप हो जाने के बाद हवलदार सूरज और सिपाही खड़क सिंह, आप दोनों आगे हरकत करेंगे और फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी में लगे संतरी से फिजिकली मिलाप स्थापित करेंगे। ठीक है साहब। संतरी से मिलाप हो जाने के बाद हवलदार सूरज, आप अपने हर एक जवान को फिजिकली चेक करेंगे और फॉरवर्ड डिफेंडेड लोकेलिटी में दाखिल करेंगे। ठीक है साहब। इस दौरान नायक सुरजीत और सिपाही पवार, आप कुछ देर के लिए पीछे के इलाके में ही रुकेंगे और पीछे के इलाके का इस बात के लिए देखभाल करेंगे कि कहीं दुश्मन का कोई रेकी पेट्रोल हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। यह यकीन हो जाने के बाद कि दुश्मन का कोई भी रेकी पेट्रोल हमारा पीछा नहीं कर रहा है, आप लोग भी फॉरवर्ड डिफेंडर लोकेलिटी में दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही पूरा रेकी पेट्रोल फॉरवर्ड डिफेंडर लोकेलिटी में दाखिल हो जाता है तो हवलदार सूरज, आप पूरा सामान चेक करने के बाद ऑल ओके की रिपोर्ट मुझे देंगे। ठीक है साहब। ऑल ओके की रिपोर्ट मिलने के बाद हमें 6 डोगरा की डेल्टा कंपनी में एक गाड़ी मिलेगी, जिस गाड़ी में बैठकर हम वापस अपने लोकेशन की तरफ हरकत कर देंगे। यहाँ तक कि ब्रीफिंग में किसी को कोई शक नहीं। वेरी गुड। अभी लेते हैं
आपस में तालमेल संबंधी जरूरी निर्देश। अपनी हरकत के दौरान कुछ एक मौकों पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी ताकि हमारा सरप्राइज बरकरार रह सके, जैसे हॉल्ट होने पर कार्रवाई। जैसे ही आप लोगों को हॉल्ट का इशारा मिलता है तो आप सभी चारों तरफ का बचाव हासिल करते हुए नीलिंग पोजीशन ले लेंगे। हवलदार सूरज, आपकी पार्टी सामने और बाएं के इलाके की देखभाल करेगी और मेरी पार्टी पीछे और दाहिने के इलाके की देखभाल करेगी। इस दौरान आपसी फासले का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ऑप्टिकल मिलने पर कार्रवाई। जब भी कोई ऑप्टिकल मिलता है तो ऑप्टिकल का इशारा दिया जाएगा। इशारा मिलने के बाद आप सभी सीखे हुए तरीके से चारों तरफ का बचाव हासिल करते हुए पोजीशन ले लेंगे। उसके बाद मैं और हवलदार सूरज बान क्रॉसिंग प्लेस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्रॉसिंग प्लेस को ढूंढने का तरीका क्या होगा यह ऑब्स्टिकल की किस्म पर निर्भर करेगा। ऑब्स्टिकल में क्रॉसिंग प्लेस मिल जाने के बाद उसको पार करने का तरीका और ट्रूप्स को चारों तरफ से प्रोटेक्शन देने का तरीका क्या होगा, इसको आपको डिटेल में रिहर्सल के दौरान बता दिया जाएगा। दुश्मन मिलने पर कार्रवाई। वैसे तो हमारी हर संभव कोशिश होगी कि यदि हमें रास्ते में दुश्मन दिखाई देता है तो हम उसको बाईपास करते हुए अपने टास्क को पूरा करें, लेकिन कभी ऐसा मौका आ सकता है जबकि दुश्मन ने हमें देख लिया हो और हमने भी दुश्मन को देख लिया हो। ऐसी हालत में हो सकता है कि दुश्मन हमारे ऊपर फायर खोल दे। दुश्मन इस तरह की कार्रवाई करे उससे पहले हम दुश्मन के ऊपर फायर खोलेंगे। दुश्मन के ऊपर फायर खोलने पर दुश्मन भी फायर का जवाब फायर से देगा। ऐसी हालत में ट्रूप्स का तितर बितर हो जाना स्वाभाविक है, इसलिए हमारी पार्टी पहले से मुकर्रर शुदा आरबी पर क्लोज हो जाएगी। यदि यह घटना जाते समय होती है तो आगे की कार्रवाई जारी रख पाना संभव होगा या नहीं वहां की हालात पर निर्भर करेगा। गेटवे में जब हमारी पेट्रोल पार्टी पेट्रोल बेस में पूरी खबरें इकट्ठा कर लेती है तो उसके बाद पूरे जवान गेटवे मैन के काम के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन आज की हालात में फिजिकल फिटनेस और काबिलियत को देखते हुए नायक सुरजीत गेटवे मैन का काम करेंगे। रिहर्सल और वेपन टेस्टिंग। जरूरी है कि अपनी हरकत के दौरान कई एक कार्रवाई पर रिहर्सल करवाना बहुत जरूरी है ताकि उस दौरान किसी प्रकार की लापरवाही न हो और हमारा सरप्राइज खो जाने का डर न बना रहे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज 1400 बजे शैतान सिंह शॉर्ट फायरिंग रेंज में रेकी पेट्रोल की तमाम कार्रवाई पर रिहर्सल और उसके बाद उसी रेंज में हथियारों का टेस्टिंग किया जाएगा। इसलिए हवलदार सूरज बान पूरे जवान पूरे इक्विपमेंट के साथ 1400 बजे शैतान सिंह शॉर्ट रेंज में पहुंचे हुए होंगे। ठीक है साहब। फाइनल इंस्पेक्शन। रेकी पेट्रोल में जाने से पहले तमाम तैयारियों के बारे में फाइनल इंस्पेक्शन हमारे बटालियन हेडक्वार्टर के सामने जो हाई ग्राउंड है वहां पर फाइनल इंस्पेक्शन किया जाएगा। टाइम 1700 बजे होगा। अभी एडम संबंधी जरूरी पॉइंट।
ड्रेस और इक्विपमेंट। आप सबका कॉम्बैट ड्रेस होगा, स्केल भी विद हेलमेट। इसके अलावा PNVD 2, रेडियो सेट स्टार भी 1, GPS 1 और 3 कंपास कैरी किए जाएंगे। हथियार और अम्नेशन, नायक सुरजीत हाँ। आप LMG कैरी करेंगे। इसके अलावा सभी जवानों के पास अपना पर्सनल वेपन होगा। हर हथियार के साथ 4-4 भरे हुए मैगजीन कैरी किए जाएंगे। मेडिकल के लिए हर जवान के पास अपना फर्स्ट फील्ड ड्रेसिंग होगा। इसके अलावा हवलदार सूरज बान, आप किन्हीं दो जवानों को डिटेल करके MI रूम से स्ट्रेचर और फर्स्ट किट बॉक्स कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है साहब। मिलाप, अपने फॉर्मेशन हेडक्वार्टर से मिलाप के लिए हम रेडियो सेट स्टार भी कैरी करेंगे। इसके अलावा पार्टियों के आपस में मिलाप के लिए मटरोला सेट कैरी किए जाएंगे। इशारे, जरूरी है कि अपनी हरकत के दौरान कई मौकों पर हमें फील्ड सिग्नल देने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि होल्ट करने का इशारा, एडवांस करने का इशारा, ऑप्टिकल मिलने पर इशारा आदि। कुछ जरूरी इशारे आपको रिहर्सल के दौरान डिटेल में बता दिए जाएंगे और उन पर रिहर्सल भी करवाई जाएगी। अपने इस टास्क को पूरा करने के लिए हमारा पासवर्ड तोता और चैलेंजिंग वर्ड मैना होगा। यहाँ पर मेरी पूरी ब्रीफिंग समाप्त होती है। इस पूरी ब्रीफिंग में अभी भी आप लोगों को किसी प्रकार का कोई शक नहीं, तो अभी आप सब अपनी घड़ी मिलाएंगे। जैसे ही मैं अब पुकारता हूँ, उस समय सबकी घड़ी में 10 बजे होंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1 अप। तो अभी भी किसी को कोई शक नहीं साहब? नहीं साहब। ओके, तो हवलदार सूरज, जितना भी सामान और जो भी जरूरी निर्देश मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं, यहाँ पर से जाने के बाद आप पूरी तैयारी कर लेंगे। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से मिल सकते हैं। वैसे मैं भी हर समय आप लोगों के साथ में मौजूद रहूँगा। ठीक है हवलदार सूरज साहब। ओके, पेट्रोल पार्टी सौनंदेट, जैन श्रीमान। जैन साहब। श्रीमान, ब्रीफिंग समाप्त होता है, पेट्रोल पार्टी को ब्रेक देने की अनुमति चाहता हूँ। ओके साहब। जैन साहब। जैन साहब। हवलदार सूरज भान, टेक चार्ज। जैन साहब। जैन। श्रीमान, पेट्रोल पार्टी को ब्रेक करेंगे साहब। ओके। जैन साहब। जैन। गड़बड़े, बढ़ाओ।